हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फोर्ड के इंडिया से चले जाने से टोयोटा फॉर्च्यूनर की मोनोपोली हो गई है, क्योंकि अब फॉर्च्यूनर की मेन कॉम्पिटिटर एंडेवर अब इंडियन कार मार्केट में नहीं रही। हाँ, MG ग्लॉस्टर ज़रूर आती है इंडिया में, जिसे MG फॉर्च्यूनर और एंडेवर के कॉम्पिटिटर के तौर पर पेश करती है, लेकिन ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर की प्राइस में तकरीबन 8 लाख रुपए तक का फ़र्क है। फिर वहीं फॉर्च्यूनर आपको 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी ऑफर करती है और ग्लॉस्टर में कोई भी पेट्रोल इंजन फिलहाल नहीं आता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर इसी सेगमेंट में ह्यूंडई अपनी पैलिसेड को इंडियन कार मार्केट में लेके आ जाए? तो चलिए करते हैं आज बात ह्यूंडई पैलिसेड के बारे में। अगर हम US ऑटो मार्केट की बात करें तो US में पैलिसेड 4 वेरिएंट्स में आती है। SE जो कि इसका बेस वेरिएंट है, SEL जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, लिमिटेड जो कि इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है, और कैलीग्राफी जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। ह्यूंडई पैलिसेड में आपको बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक चारों में टू व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आपको आपकी पसंद के कोई भी वेरिएंट में अगर ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको ऑल व्हील ड्राइव के लिए टॉप वेरिएंट पर नहीं जाना पड़ेगा। अब कुछ फीचर्स की बात करें तो ह्यूंडई पैलिसेड में आपको लोअर वेरिएंट्स में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और टॉप वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। पैलिसेड में आपको डुअल सनरूफ मिल जाता है, जो शायद फर्स्ट इन सेगमेंट होगा अगर ये इंडियन कार मार्केट में आती है तो। पैलिसेड आपको एयर सस्पेंशन ऑफर करती है, जो इसकी राइड क्वालिटी को एकदम बटरी स्मूथ बनाते हैं। एयर सस्पेंशन आपने अक्सर सुना होगा कि लग्जरी कार्स और लग्जरी बसेस में आया करता है। पैलिसेड के लोअर वेरिएंट्स में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और टॉप वेरिएंट्स में आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फिर इंटीरियर में आपको इसके दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, पहला नेवी कलर पैकेज जो क्रीम या बेज कलर टाइप है, और दूसरा बरगंडी कलर पैकेज। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपनी पसंद से कोई भी इंटीरियर कलर ऑप्शन ले सकते हो। इसमें आपको फ्रंट के साथ साथ रियर में भी सीट्स वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इस गाड़ी में आपको ड्राइवर टॉक मोड भी मिल जाता है। यहाँ मैं आपको ड्राइवर टॉक मोड फीचर के बारे में मुख्तसर सा बताता चलूँ कि आखिर ड्राइवर टॉक मोड होता क्या है। अगर ड्राइवर को अपनी बात थर्ड रो में बैठे हुए पैसेंजर्स तक पहुँचाना है तो वो बिना ज़्यादा तेज़ आवाज़ के या बिना चिल्लाए इस ड्राइवर टॉक मोड की मदद से अपनी बात पहुँचा सकता है। ड्राइवर आगे फ्रंट से अपनी बात कहेगा और थर्ड रो में दिए हुए दो स्पीकर्स की मदद से वहाँ बैठे यात्री पैसेंजर्स ड्राइवर की बात आसानी से सुन पाएंगे। पैलिसेड की थर्ड रो सीट एक परफेक्ट सीट है, जिसपे एडल्ट्स भी आराम से बैठ सकते हैं, और थर्ड रो सीट के लिए एक्सेस भी इस कार में बड़ा आसान है। सेकंड रो सीट पर आपको एक बटन दिया हुआ है, जिसे आपको सिर्फ प्रेस करना है और आप इजीली थर्ड रो के लिए एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड रो सीट पर भी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको पैलिसेड में थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए सेपरेट AC वेंट्स, सेपरेट चार्जिंग सॉकेट और हेडरेस्ट मॉनिटर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, और पैलिसेड की थर्ड रो सीट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हो। थर्ड रो सीट के लिए इस गाड़ी में आपको एक रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट नाम का फीचर मिल जाता है, जिसमें होता यह है कि अगर आपका बेबी या आपका कोई पेट थर्ड रो सीट पर बैठा हुआ है और आप उसे भूल के कार लॉक करके जा रहे हो, तो सेंसर की मदद से आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप आपका बेबी या फिर पेट कार में भूल गए हो। वहीं थर्ड रो सीट पर आपको स्लिप मोड का भी फीचर मिलता है, जैसे कि अगर थर्ड रो सीट पर बैठे हुए पैसेंजर सो जाते हैं तो सेंसर की मदद से ड्राइवर के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि लास्ट रो में बैठे हुए पैसेंजर सो गए हैं, तो लास्ट के स्पीकर्स बंद कर दिए जाएं। फिर पैलिसेड में आपको कोई भी गियर लीवर नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपको चार बटन्स दिए हुए हैं, पार्किंग, न्यूट्रल, ड्राइव एंड रिवर्स। यही फीचर्स हमने कुछ वक्त पहले न्यू होंडा CR-V डीजल में भी देखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CR-V भी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब पैलिसेड में आपको ह्यूंडई की तरफ से एक एशट्रेक सिस्टम मिलता है, जिसकी मदद से आपको शानदार ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है। बेसिकली इसके ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आपको 4 मोड्स मिलते हैं। पहला मोड कंफर्ट, जिसमें पावर 70:30 के रेशियो में फ्रंट एंड रियर व्हील्स में स्प्लिट होती है। फिर दूसरा मोड आता है इसमें स्मार्ट और इको, जिसमें मैक्सिमम पावर फ्रंट व्हील्स को ही दी जाती है, जिससे फ्यूल इफिशेंसी अच्छी मिलती है। और तीसरा मोड आता है स्पोर्ट, जिसमें 50% ऑफ टॉर्क रियर व्हील को दिया जाता है फॉर गुड डायनामिक कंट्रोल और ग्रेटर एजिलिटी। इसी के साथ आपको इसमें 3 टेरेन मोड्स भी मिल जाते हैं, स्नो, मड एंड सैंड। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है विथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले,
इनबिल्ट नेविगेशन एंड 12 हरमन कार्डन स्पीकर्स। इसके म्यूजिक सिस्टम में आपको इक्वलाइजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप साउंड को अपनी पसंद से कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इसमें एक क्वाइट मोड फीचर भी आता है, जिसमें रियर के स्पीकर्स बंद हो जाते हैं और सिर्फ फ्रंट के स्पीकर से ही आपको म्यूजिक सुनाई देता है। बाकी पैलिसेड में आपको 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, मल्टीपल एयर बैग्स मिल जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग मिल जाता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन वार्निंग मिल जाता है, जहां पर अगर आप पार्किंग से अपनी कार को रिवर्स करते हो तो ऐसे में कोई कार रियर से क्रॉस कर रही होती है तो रियर बंपर में लगे हुए सेंसर्स आपको कार के अंदर वार्न कर देते हैं। और यही फीचर पैलिसेड के टॉप वेरिएंट में थोड़ा और एडवांस आता है, वहां आपको कोलिजन वार्निंग की जगह अवॉइडेंस असिस्ट मिल जाता है, जहां कोलिजन से बचने के लिए इमरजेंसी ब्रेक का ऑप्शन आता है। फिर पैलिसेड में आपको एक सेफ एग्जिट असिस्ट नाम का इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है, जो खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए इजाद किया गया है। ये फीचर कुछ इस तरह काम करता है कि अगर आपकी कार आपने कहीं रोकी और ऐसे में पीछे से कोई कार आ रही है तो पीछे लगे हुए सेंसर्स की मदद से चाइल्ड लॉक जब तक इंगेज रहेगा जब तक कोई प्रिवेंटिंग पैसेंजर कार से उतर नहीं जाता। आई एम श्योर के इनमें से कुछ फीचर्स आपको पहली बार सुनने को मिले होंगे। तो पैलिसेड में आपको कम्फर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स के अलावा सेफ्टी फीचर्स भी काबिले तारीफ मिलते हैं। अब इंजन्स की बात की जाए तो पैलिसेड में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। पहला इंजन इसमें आपको मिलता है 3.5 लीटर MPI नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 277 PS और 335 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन इसमें आपको मिलता है 3.8 लीटर GDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 295 PS और 355 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और तीसरा इंजन इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर डीजल, जो 200 PS और 441 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब अगर ये कार इंडिया में आती है तो ये मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही ऑफर की जाएगी, क्योंकि इस सेगमेंट की कार्स में पेट्रोल इंजन की डिमांड इंडिया में एकदम ना के बराबर रहती है। मिसाल के तौर पर आप फॉर्च्यूनर को ही ले लो, फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वेरिएंट की सेल बिल्कुल भी ना के बराबर रहती है। अब अगर ह्युंडई पैलिसेड की प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग $33,000 से स्टार्ट होकर $46,000 तक जाती है। अगर हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 25 लाख रुपए से शुरू होकर 34 लाख रुपए तक जाती है। अगर ये कार इंडिया में लॉन्च होगी तो इसकी प्राइस तकरीबन 36 लाख से स्टार्ट होकर 45 लाख रुपए तक जा सकती है, क्योंकि हमारे देश की टैक्स पॉलिसीज यूएसए से डिफरेंट है। तो क्या ऐसे में ह्युंडई को अपनी पैलिसेड SUV को इंडिया में जल्द से जल्द लाना चाहिए? क्या ये कार फ्यूचर में एंडेवर की जगह ले सकती है? क्या इंडियन कार बायर्स को ह्युंडई पैलिसेड पसंद आएगी? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।